यहाँ पे दो पावर आईसी दिख रही है, ये डबल पावर आईसी वाला बोर्ड है। रेडमी नोट 5 माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। ये डबल पावर आईसी वाला बोर्ड है, सबको नजर आ रहा है, ये पीएम 660 और 660L लगा हुआ है। इसको हम कहाँ पे रख दें, चलिए यहाँ पे रख देते हैं ऑडियो आईसी के पास में। नजर आ रहा है सबको? सबसे पहली चीज क्या है, कोई भी मोबाइल आपके पास आए अगर डेड कंडीशन में है, सबसे पहला आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी रेंज पे करके सीधे सीधे आपको बैटरी कनेक्टर पे चेक करना होता है, कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। नीचे ग्राउंड है ये, ऊपर में शॉर्ट सर्किट नहीं है, आईडी थर्मल पे भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपको आगे बढ़ना है और ये देखना है कि यहाँ पे जो 660 है, इसी हमने पढ़ाया सबको कि 660 के अंदर में क्या होता है, बताइए। ये 660 है, पीएम 660। रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमने बताया कि पीएम 660 के अंदर में बीपीएच बनता है, तो इसमें कहाँ पे बनता है, ये पे कॉर्नर देखिए फूटी हुई है आईसी की, नजर आ रहा है। ये सारी चीजों को तो ध्यान में रखते ही हैं, कहाँ पे फूटा है टूटा है सब कुछ ध्यान में रखते हैं। अभी क्या है कि इसमें ये पीएम 660 है, क्वालकॉम का फोन है, इसमें नहीं पता हमको कि क्या है, कौन बीपीएच है कौन बीपीएच नहीं है, लेकिन इसमें कितनी कॉइलें नजर आ रही हैं, 6 कॉइल इधर है और 1 कॉइल ऊपर है, दिख रहा है। अब आप देखो तो इस कॉइल से ये सारे कंपोनेंट जो है कनेक्टेड, ये डायोड भी कनेक्टेड है, ये ट्रैक है, दिख रहा है यहां से, ये ट्रैक नजर आ रहा है सबको, ये वीपीएच की कॉइल है, ये वीपीएच की कॉइल है। अब इसमें आपका दो कॉइल ऐसा होगा जो आपस में कनेक्टेड होगा, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट, देखो ये मोटी सी ट्रैक जो है ये दोनों को कनेक्ट करके रखी हुई है, तो ये एपीसी वन है, पढ़ाया था हमने, याद है सबको, एपीसी वन पढ़ाया ना आपने, एपीसी वन, और ये एपीसी जीरो। इसमें एक होगा आपका लोअर एलडीओ, एक होगा हायर एलडीओ, दोनों में से कोई एक होगा, और एक जो होगा ये मोटी कैपेसिटर पे जो आ रही है ये ट्रैक, ये मॉडेम होगा, ठीक है, या ये मॉडेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर एलडीओ हायर एलडीओ। तो चलिए हम चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं। तो सबसे पहला हम मल्टीमीटर से जो है इसे चेक करेंगे, वीपीएच की लाइन में कोई बजर साउंड है या नहीं, तो ये कैपेसिटर पे ग्राउंड तो दिख रहा है लेकिन वीपीएच की लाइन में यहाँ पे कोई बजर साउंड नहीं है, वीपीएच की लाइन हमारी परफेक्ट है जो कि इस कॉइल से कनेक्टेड होनी चाहिए। देखिए है कनेक्टेड, ये वीपीएच की कॉइल है, यही वीपीएच की कॉइल को अगर कंफर्म करना है तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखो, और आईसी के लगे पास में लगे यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ये इनपुट कैपेसिटर होते हैं, इन पे कनेक्टेड है या नहीं, तो है तो इसका मतलब ये कंटिन्यू कंफर्म है हमको कि यही वीपीएच की लाइन है, ये कॉइल है, ठीक है। और बगल में छोटी सी कैपेसिटर दिख रही है, इसमें कोई भी साइड हमारा ग्राउंड नहीं होगा, तो ये हमारा बूट कैप है, ये हमारा क्या है, बूट कैप है, कोई भी साइड इसका ग्राउंड नहीं है, नजर आ रहा सभी को, क्लियर है, यहाँ पे ये बूट कैप है, ये वीपीएच कॉइल है, हमने ऐसे कर लिया बिना विदाउट स्कीमेटिक। हमने ये भी कर लिया कि ये एपीसी की कॉइल है, ये प्रोटेक्शन डायोड है, ये एपीसी की कॉइल है, यहाँ पे एक एपीसी वन है, जीरो है, बाकी तीन कॉइल अलग कलर में है, तो बक वाली लाइन तो अलग हो गई, ये तीन कॉइल अलग कलर में, जिनमें से एक लोअर एलडीओ, एक हायर एलडीओ और एक मॉडेम होगा, ठीक है। तो अभी हम जीआर चेक करेंगे, अब हम डायोड रेंज में जाते हैं और डायोड रेंज में रिवर्स बायस में चेक करते हैं, यानी कि रेड को ग्राउंड करेंगे। सबसे पहले वीपीएच की जीआर लेते हैं, कितना है, 341, 341, और जब फॉरवर्ड बायस में लेते हैं तो कितना है, ओएल या 1200 या 1500 ऐसा कुछ आना चाहिए, अभी फिलहाल में ओएल आ रहा है, यानी कि इसमें कोई लीकेज भी नहीं है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, कंडीशन गुड है, दिख रहा है, गुड कंडीशन है, नजर आ रहा है, वीपीएच में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसके कंपोनेंट में भी देखेंगे, यानी कि बक लाइन में भी कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, देखेंगे इसकी जीआर कितनी है और इसका बजर साउंड आ रहा है क्या। तो बक लाइन में ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे बजर साउंड आ रहा है, कितना आ रहा है रीडिंग, रीडिंग कितना आ रहा है बताइए, रीडिंग कितना आ रहा है, 42 400 हाँ 42 रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइन में लीकेज है, लेकिन ये लाइन में जो लीकेज है इतना में काम चल भी जाता है, ये 20 या 30 के नीचे नहीं होना चाहिए, 30 के नीचे और 20 के नीचे तो हरगिज नहीं होना चाहिए, दिख रहा है, ये लाइन में लीकेज जरूर है लेकिन ये लाइन चलेगा, ये सीपीयू से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट सीपीयू उठाएंगे तो ये लीकेज चली जाएगी, रिवॉल्व करके डालेंगे तो एकदम ओके भी हो सकता है या फिर सेम कंडीशन आ सकता है। फिर यहाँ पे एक कॉइल है, ये इससे कनेक्टेड है,
यहाँ पे दोनों साइड बजर नहीं है, यानी कि ये ग्राउंड है और ये वाली में 105 की रीडिंग है, हेल्दी रीडिंग है ये। ये एपीसी वन है, सॉरी जीरो है। ये एपीसी जीरो को बोलते हैं बक सप्लाई। यही बनेगी हमारी, ये भी बनेगी, लेकिन ये वाइब्रेट के बाद बनती है। यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम आज कन्फर्म भी करेंगे इसको, देखते हैं बन रहा नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे एक कॉइल है, इस पे कोई शॉर्टिंग? तो इसके जस्ट बगल में ऐसा, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, और ये वाली ट्रैक यहाँ पे गई है, इस पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। पहले तो बजर नहीं है, अब जीआर चेक करते हैं। अब जीआर में यहाँ पे कितना है, 450 होना चाहिए, ठीक है, 410 यहाँ पे, 436 यहाँ पे, वही हुआ यहाँ पे 460, यानी कि ये तीनों की जीआर सही है। इसकी भी जीआर हमारी परफेक्ट है, 425 है। यहाँ पे भी एपीसी वन की भी जीआर बहुत ही अच्छी है, और एपीसी जीरो की जीआर देख लेता हूँ, 146 है, ये भी सही है, लगभग लगभग चलने लायक है। अब जो है, अगर ये जीआर जो हमने 146 देखा यहाँ पे, अगर ये जीआर 20 या 30 तक होता, 30 आता मान लो यहाँ पे, तो ये गया, ठीक है, तो ये लाइन गया, यानी कि सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करेंगे, अगर ऑन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर सेम कंडीशन आने पे सीपीयू गया, उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है। क्लियर है सबको? फिर आपको दूसरा सीपीयू डालना है जिसकी जीआर थोड़ी हेल्दी हो। क्लियर है? इतना समझ में आया जी सर सबको? जी, अब हम इसकी दूसरी वाली आईसी पे चलते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे सेंसर पैड का अगर यूज किया गया होगा तो इसकी भी ग्राउंड हमको चेक करना होता है, तो हम ग्राउंड कंटिन्यूटी भी आ जाते हैं और इनपुट कैपेसिटर में ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इनपुट कैपेसिटर में जल्दी से ग्राउंड भी चेक कर लो, ठीक है, सारे कैपेसिटर सही है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इस आईसी में भी देखो, इनपुट की कैपेसिटर आपको नजर आ रही होगी, चलिए जो भी हो, नजर तो आ ही रही है, जो भी हो, हम इसमें देखें, 1 2 3 4 5 6 कॉइलें हैं, और दो कॉइलें यहाँ नीचे लगी हुई है जो कि लाइट के लिए है। एक तो लाइट की कॉइल है और ये वीपीएच की सप्लाई में लगा होता है। ये दोनों कॉइल पे बजर आएगा, देखिए आ रहा है, ये दोनों कॉइल वीपीएच के फेस लाइन में ही लगे हुए हैं डायरेक्ट से। एक लाइट कॉइल है और एक जो है +5 वोल्ट जो है बनाने के लिए वीपीएच सप्लाई आईसी के अंदर दी जाती है। बाकी आपका यहाँ पे इनपुट की लाइन में ये कनेक्टेड है, ये इनपुट की लाइन, ये नहीं है इनपुट, ये इनपुट है, ये भी इनपुट नहीं है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट नहीं है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट नहीं है। तो तुरंत हम ग्राउंड चेक करते हैं, जिस जिस पे इनपुट था उस पे ग्राउंड है कि नहीं, सब पे ग्राउंड है, ठीक है, तो सही है। दूसरी चीज, अब इस कॉइलों पर हम चेक करेंगे, ये हमारा वीरेज वीओवी का कॉइल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ट्रैक दिख रहा है, ये वाली ट्रैक आई यहाँ से घूम के अंदर गई, ये वाली ट्रैक भी अंदर गई, दोनों ट्रैक नजर आ रही सबको, दोनों साइड आईसी के अंदर ही कनेक्टेड है। ये हमारी वीरेज वीओवी की कॉइल है, इसमें हमारा जो है कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब जो है हम आगे ऊपर की कॉइल पे चेक करते हैं, तो ये कॉइल ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये कॉइल ऊपर इधर में जा रहा है तो ऊपर में ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, लेकिन 42 का आ रहा है जैसा वहां पे था। तो अभी हम देखेंगे कि इन दोनों कॉइलों को आपस में कनेक्टेड किया गया है, और ये कैपेसिटर यहाँ भी कनेक्टेड जो है 42 वाले ही है। तो ये दोनों कोर की लाइन है, दोनों कॉइल जो कनेक्टेड होता है ना, ये एक्स 660 LIC है, L में जो होता है ना, ये दोनों कोर सप्लाई बनाते हैं, और एक मेमोरी सप्लाई होगा यहाँ पे, ऊपर जा रहा है जो ट्रैक उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 478 की जीआर जो है, ओम्स वैल्यू जो है वो आ रही है, ये जीआर नहीं है, ग्राउंड रीडिंग नहीं है, ये ग्राउंड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला इसमें कनेक्टेड, यहाँ पे भी हमारा ओएल आ रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। अब हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे, अब हम इस पे डायोड वैल्यू चेक करेंगे, तो 274 का आ रहा है, ठीक है, कंडीशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कंडीशन आएगा, 350, ठीक है, ये भी सही है। और फिर क्वाइल की जो दोनों है, इस पे भी हमको देखिए 199, थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्योंकि इस पे बजर साउंड आ रहा है ना, इसलिए 200 के नीचे आ गया। अगर ये 30 के नीचे आ गया तो गया, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये 30 के नीचे आ गया तो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? ये तो फोन ऑन सर नहीं हो रहा बजट में 40 दिखाया था ना। है। बजर के साथ में 40 ओम शो कर रहा है, डायोड रेंज में 100 कुछ शो कर रहा है, 190 98। तो सिंपल वाले मल्टीमीटर में तो सर जीआर की जगह वही दिखाएगा 42 ही, नहीं, 198 दिखाएगा, 42 नहीं दिखाएगा, डायोड जो वैल्यू दिखाएगा ना सिंपल वहां टू इन वन वाला सिंपल। मल्टीमीटर जो पीला वाला यूज करते हो उसमें। हाँ, उसमें क्या होता है कि ये डायोड वैल्यू और बजर वैल्यू दोनों एक ही में होते हैं,
तो उसमें बजर के साथ में 100 के आसपास, 90 के आसपास या 80 के आसपास दिखाएगा, थोड़ा सा डाउन करके। आप केवल डायोड वैल्यू अगर चेक करोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 190, यानी इसका आधा लगभग दिखा देगा। ठीक है, जी अगर इतना भी दिखाया तो भी ठीक है ना, ये तो सही है, परफेक्ट कंडीशन। हमने देखा कि ये लाइन हमारी सही है। अब एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है, इसका डायोड वैल्यू हमने नहीं चेक किया था। ये लाइन हमारा 360 है, ये भी सही है। तो किसी भी कॉइल को हमने ऐसा देखा कि कोई भी कॉइल सस्पेक्टेड नहीं है पूरी तरह से, है जरूर लीकेज लेकिन वो चलने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायोड वैल्यू में पूरी परफेक्ट आ रही है। क्लियर है? जी सर, हाँ। अब हमको काम करना है वोल्टेज टेस्टिंग का। अब जो हम इसमें चार्जर लगाएंगे और इसकी वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, तो अब जो है इसमें आ जाते हैं, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे कर लेंगे और इसको जरा लगा दीजिए आप, या फिर चलिए चलिए चार्जर की यूएसबी 0-0 हो गई। मैंने एक फोन कनेक्ट था यहाँ पे तो हमने इसको निकाल लिया, तो अभी करंट 0 नजर आ रहा है सबको, यूएसबी चार्जर में दिख रहा है करंट 0। जी अब हम चार्जर लगा देते हैं और चार्जर लगाने के बाद कितना करंट ले रहा है देखिए, केवल स्ट्रिप लगा हुआ है फ्लैक्स का, बैटरी नहीं लगी हुई है, और यहाँ पे करंट लेके 0 हो गया, देखा ना। अब हम बैटरी लगाएं, तो जैसे बैटरी लगाते हैं तो करंट लेना चाहिए, कोई भी करंट नहीं ले रहा, यानी बैटरी भी सेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, कोई करंट नहीं ले रहा, ये कोई करंट नहीं ले रहा, चार्जर लगा दिया कोई करंट ही नहीं ले रहा। चलिए इसको निकालते हैं और अब बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, 20 वोल्ट पे करके, वोल्टेज रेंज पे करके। सबसे पहला हम बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे, तो वोल्टेज तो आ ही नहीं रहा बैटरी कनेक्टर पे, नहीं आता है वो तो हमने पहले भी बताया आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं आता है, लेकिन वी बस इन होता है नहीं, ये देख लेते हैं। तो इस कंपोनेंट पे वी बस इन हो रहा है, 5.2 वोल्टेज जो है इन हो रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है छोटा सा, यहाँ से 5.2 वोल्ट इन हो रहा है, और बैटरी कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, आईडी पे कितना है, 3 वोल्ट, थर्मल पे भी 3 वोल्ट ही आएगा, तब दोनों पे 3 वोल्ट आ रहा है, ये भी कंडीशन सही नहीं है। हमने क्या बताया था, एक पे 1.8 के समथिंग आएगा और दूसरे पे 2.7 आएगा, बताया था ना, लेकिन दोनों पे बराबर आ रहा है। दोनों पे बराबर आने का मतलब दोनों शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों शॉर्ट नहीं होगा, इस कंडीशन में ऐसा आता है, हमने कई बार देखा है कि जब मोबाइल डेड होती है और कोई करंट नहीं लेता है तो ऐसा दिखता है। अब देखो आगे वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कंडीशन सही नहीं है, लेकिन आगे देखिए वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा है। तो वीपीएच की टेस्टिंग हमने बताई कहाँ पे, ये कॉइल के पास कैपेसिटर पे, तो यहाँ पे कोई पावर है वीपीएच का, नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब है कि मोबाइल में कोई पावर ही नहीं बन पाया, मोबाइल में कोई पावर ही नहीं बन पाया, केवल ये आईसी आईडी थर्मल आउट कर रही है 3 वोल्ट, नजर आ रहा है, केवल ये आईसी आईडी थर्मल आउट कर रही है 3 वोल्ट, वीपीएच की पावर ही नहीं बना रही है, जबकि वीपीएच में कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। वीपीएच में कोई शॉर्ट सर्किट है नहीं है। अब इसको कैसे चेक किया जाए कि आईसी सही है या फिर ये आईसी सही है, किसको बदले, दोनों में से किस पे काम करें, कोई बताएगा? नहीं पता सर। हाँ बताइए। हेलो, कॉइल पे है ना पावर आएगी सर, मल्टीमीटर लगा के तुम चार्जर लगाओगे फिर तुरंत कट जाएगी सर। हाँ, तो अब जो है हमको वो टेस्टिंग करनी है, ठीक है ना, चार्जर निकाल के लगाना है, मल्टीमीटर पहले लगा लेंगे। ठीक है, आ जाइए इधर ना, इधर इधर फोन निकालिए, इधर आइए, यहाँ पे चार्जर जब बोलेंगे ना, चार्जर अब निकालिएगा और तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है, अभी रुकिए जब बोलेंगे तब। अभी हम मल्टीमीटर को वीपीएच की लाइन में लगा लेते हैं, अब चार्जर आप निकालो, अब लगा दो चार्जर, एक बार वोल्टेज आया 3.2, ये ड्रॉप 3.5 और ये ड्रॉप हो गया 4.4, करंट लिया और ड्रॉप हो गया, नजर आ रहा है धीरे धीरे ड्रॉप होगा, अभी धीरे धीरे ड्रॉप होगा, अभी हो गया ड्रॉप, हटा के लगाया तो 0 हो जाएगा, अभी 0.8, अभी धीरे धीरे ये 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर। यानी कि वीपीएच बन रही है लेकिन हमको दिख नहीं रही है, तुरंत ड्रॉप हो जा रही है बन के, तो यानी कि हमने ये एक चीज कंफर्म किया कि वीपीएच बन रहा है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये आईसी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अब इसका 2 वोल्ट का ये कॉइल है या फिर ये कॉइल है या फिर ये कॉइल है, तीनों में से कोई होगा, खासतौर से किनारे अलग ही होता है ये, सेपरेट यही वाला होगा। तो इसके कंपोनेंट यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसके ऊपर में मल्टीमीटर लगा लेते हैं, और अब जो है यूएसबी निकाली लगाइए फिर से,
निकालिए और लगाइए, देखिए 2 वोल्ट भी बना बना ना, और ये ड्रॉप हो गया, नजर आ रहा है? 2 बार बन रहा है, एक बार बना, फिर एक बार बना, फिर ड्रॉप हुआ, 2 बार बन के ड्रॉप हुआ है, नजर आ रहा है? जी यानी कि 2 वोल्ट बन रहा है तो कि ये आईसी तो सही है, ऊपर वाली है ना। अगर इसको वीपीएच परमानेंट दे दिया जाए तो ये एलडीओ जनरेट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? वीपीएच ही ड्रॉप है, इसलिए तो एलडीओ भी ड्रॉप हो जा रहा है, ये परमानेंट नहीं बन रहा है। अब सीधी सी बात हमने क्या बताया था कि रैम सप्लाई चेक कर लो, अगर रैम पावर बनती है तो इसका मतलब है, ये रैम आईसी छोटी सी, यहाँ पे रैम कॉइल है, तो इसका मतलब है कि ये आईसी भी ऑन हो रही है डिजिटली, ये आईसी भी डिजिटली ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है। तो बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें चेक करने के लिए, वो पावर गुड, पावर ऑन रीसेट, लेकिन आईसी उठा के वो सब हम चेक करते हैं, इस आईसी का पावर ऑन आउट हो रहा है, पावर ऑन आउट करके इधर आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, वो सब ठीक है। एक बार हम ट्राई करें, देखिए स्कीमेटिक खुला या नहीं खुला, बोर नहीं हो। अब ये भी गया क्या, एप्लीकेशन पे रन नहीं होगा क्या, हो तो रहा है, सर्वर 1 नहीं है और सर्वर 2 भी नहीं है, चलिए ठीक है, इसको अभी हम करते हैं और इसमें पहले हम चलते हैं वहां पे जहां पे हम कर रहे हैं काम। इस फोन का स्कीमेटिक जो है हम अभी देखते हैं यहाँ पर, जिन जी जाओ में, वैसे तो स्कीमेटिक इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना है पावर ऑन निकल रहा है नहीं निकल रहा, क्योंकि इस फोन में ये आईडी पासवर्ड तो यहाँ पे सेव ही नहीं है, तो मुझे याद भी नहीं है, वो दिन में था डायरी में। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ कल से इसको, मैं सेव करता हूँ, सेव नहीं किया था इसको, मैं इसको सेव करता हूँ आगे। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 1.8 जब ये आउट करेगा तो इसका जो पावर ऑन है उस पर 1.8, जैसे 2 वोल्ट ऑन हो रहा है ना, जैसे 2 वोल्ट ऑन हो रहा है वैसे ही पावर ऑन, तो इसकी ईडीएल पॉइंट पे हम चेक कर लें, यहाँ पे ईडीएल पॉइंट है उस पर 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है दोनों ईडीएल पॉइंट जो बार बार शॉर्ट किया गया, यहाँ पे नजर आ रहा है, नजर आ रहा सबको? जी सर। इस पे फिर हम चार्जर लगाएंगे निकालेंगे और इस पे 1.8 चेक करेंगे, तो नीचे वाले पे देखो वोल्टेज बहुत थोड़ी सी वोल्टेज है 0.5 और यहाँ पे नहीं है, तो नीचे वाले पे चेक करेंगे, चलिए निकालिए लगाइए, यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आया यहाँ पे कोई वोल्टेज, फिर से निकालिए और एक बार फिर से लगाइए, नहीं आया, ठीक है ऊपर वाले में देखते हैं, तो ऊपर वाले में 1.8 आ रहा है, जो जीरो था वही एक्चुअल में 1.8 बन रहा है, ठीक है यहाँ पे क्या आ रहा है 1.8 नजर आ रहा है, फिर से करिए एक बार निकाल के, सभी को दिख गया, ये चार्जर निकाला, चार्जर लगाया 1.8, इसका मतलब क्या है कि पावर आईसी पूरी तरह से ऑन हो जा रही है, और रैम की पावर बन रही नहीं बन रही वो भी देख लेता हूँ, रैम की कॉइल है यहाँ पे और कॉइल कनेक्टेड है, आईसी यहाँ पे है और ये आईसी से रजिस्टर कनेक्टेड है, आईसी कॉइल रजिस्टर, आईसी कॉइल रजिस्टर, ये रजिस्टर पे हम चेक करेंगे वोल्टेज बन रही है 0.6, चलिए अब चार्जर निकाल के लगाइए, बन रही है 0.6, ड्रॉप हो गई, यानी कि इस रैम आईसी को ये आईसी भी इनेबल कर रही है, ये आईसी भी इनेबल कर रही है, यानी ये आईसी भी वर्किंग में है, रैम आईसी भी वर्किंग में है, 660 भी वर्किंग में है, तो करे काम किस पे, अब बताइए क्या करना चाहिए? एमएमसी उठेगी सर। हाँ ये आपने इसलिए बोला कि आप इस इसके बारे में पहले से हमने बता रखा आपको कि जब भी वीपीएच ड्रॉप हो, वीपीएच बनते बनते ड्रॉप हुई है, वही है ना? हाँ जी सर, एमएमसी का। तो हमने क्या बताया था, एमएमसी निकालना है, तो चलिए इसका एमएमसी हम इसमें से निकालते हैं, देखते हैं कि उसके बाद पावर बनती है नहीं बनती है, और अभी ये पीसी में पोर्ट बना रहा नहीं बना रहा ये भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये भी जरूरी है, अगर सीधे सीधे अगर सारी सप्लाइयां इसमें आ रही हैं तो फटाक से पोर्ट बन जाना चाहिए तुरंत, लेकिन पोर्ट नहीं लिया, केबल हमने लगा दिया इसमें लेकिन पोर्ट नहीं लिया, दिखाता हूँ एक बार पोर्ट बन रहा नहीं बन रहा,
डिवाइस मैनेजर यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं शो हो रहा है, केबल निकाला, केबल लगाया, नहीं हो रहा। चलिए ईडीएल भी हम शॉर्ट करके देखेंगे क्योंकि 1.8 जनरेट तो हो रहा है ईडीएल पे। केबल निकाल दिया, ईडीएल को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और अब जो है केबल इसमें हमने लगाया, ईडीएल शॉर्ट करने पे पोर्ट बन रहा है। अब बताइए आप क्या करोगे? सीपीयू ओके सर, सीपीयू पावर पीएमआई। अगर हमने ईडीएल शॉर्ट कर दिया, पोर्ट बन गया, इसका क्या मतलब हुआ? पावर ओके है, इसका मतलब कि पावर आईसी से अब वीपीएच कंटिन्यू होगी। देखिए अब वीपीएच कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि अभी तो स्टेबल है ना। देखो यहाँ पे वीपीएच नजर आ रहा है 3.2। देखो यहाँ पे 2 वोल्ट की एलडीओ नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो लोअर एलडीओ नजर आ रहा है 1.3, यहाँ पे देखो मॉडर्न सप्लाई नहीं बन रही है, यहाँ पे देखो एपीसी 1 बन रही है 0.8 और एपीसी, सॉरी एपीसी 0 था वो, ये एपीसी 1 नहीं बन रही है, नजर आ रहा है एपीसी 1 नहीं बन रही है। एपीसी 1 के दोनों कॉइलों पे पावर नहीं है लेकिन एपीसी 0 पे पावर है, तो इसका क्या मतलब है? आईसी खराब है? नहीं, मैंने बताया था कि एपीसी 1 पे पावर नहीं बनेगी, तीन कॉइलें ऐसी हैं जिन पे पावर नहीं बनेगी, बाकी तीन कॉइलों पे पावर बन रही है। ठीक है जी। और रैम की भी वोल्टेज देखो आप कंटिन्यू बन रही है, नजर आ रहा है ये भी कंटिन्यू बन रही है, यानी कि आईसी ऑन हो चुकी है। कोई भी पावर सेक्शन को टच नहीं करना है, किसी भी पावर सेक्शन को छूना नहीं है। ठीक है, और पोर्ट भी बन गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पोर्ट नहीं बन रहा था, अब क्या करें? ये तो इसका 100% मतलब यही है कि एमएमसी पहले उठाओ। एमएमसी क्या करना है? पहले उठाना है, सीपीयू भी सही है, सीपीयू अपना पोर्ट बना ले रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी सर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर बीओबी वाली वोल्टेज चेक करो जरा। हाँ, बीओबी वाली वोल्टेज आप देख लो कितनी है, 3.7 वोल्ट है बीओबी की। देखिए पोर्ट छूट गया, अभी हिल गया होगा केबल, इसलिए मैं फिर से ईडीएल शॉर्ट करता हूँ तभी वीओबी बनेगी, या फिर चार्जर निकाल के लगाऊंगा तो वीओबी बनेगी, वो भी दिखा देता हूँ मैं। चार्जर में निकालूंगा और लगाऊंगा। ठीक है, एक बार आप जो है वीओबी की कंपोनेंट पे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये वीओबी की मेरे ख्याल से कंपोनेंट यहीं पे है, ये वाली कंपोनेंट ही वीओबी की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्कीमेटिक में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन वीओबी कंपोनेंट के लिए। एक मिनट, ये वीओबी की है, यहाँ से ये कंपोनेंट होंगे वीओबी का या फिर यहाँ से होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, 0.9 वोल्टेज बन रहा, निकालिए, लगाइए, 3.3 बना, ड्रॉप हो गया, 0.8 बन गया, यही है वीओबी, दिख रहा है, नजर आ रहा है वीओबी? और यही वीओबी आपकी यहाँ पे भी होती है मेरे ख्याल से, ये भी कंपोनेंट होगा 0.9 वहां पे होगा अभी, या फिर यहाँ पे, जरा आप ट्राई करो फिर से निकाल के, निकालो और लगाओ केबल। हाँ यही है, दिख रहा है, ये वीरेज भी हो भी है, नजर आ रहा है 4.4 बना। तो ये वीपीएच भी हो सकता है क्योंकि तो 4.4 तक जा रहा है, वीओबी 4.4 तक नहीं जा रहा है ना, ये 0.9 पे कंटिन्यू स्टक है। तो मैं देखता हूँ 0.9 का और कौन सा कंपोनेंट है, वो वीपीएच है जो हमने ऊपर कंपोनेंट को बताया, वीओबी इसमें वहीं पे है, बाकी यहाँ पे और भी कंपोनेंट होते हैं वीओबी के या फिर इसके बोर्ड के बैक साइड में होंगे जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये वीओबी सप्लाई है, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है कॉइल के बगल में, ये वीओबी की कॉइल है, इसके एक साइड में वोल्टेज देखो आप कितना है, चार्जर लगाइए, निकालिए एक बार फिर से, फिर लगाइए, इसके एक साइड देखिए 2 वोल्ट है और इसके दूसरे साइड में हम चेक करते हैं, फिर से चार्जर निकालिए, लगाइए, देखिए 2.2 वोल्ट है, थोड़ी ज्यादा है, एक साइड में 2 वोल्ट है, एक साइड में 1.4 से बढ़ते हुए 2.2 तक चला जा रहा है, नजर आ रहा है, तो इसके एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है ना, और वीरेज वीओबी बन रहा है 3.3 वोल्ट, ये आईसी पूरी तरह से वर्किंग में है, काम कर रही है। अब हमको एमएमसी चिप इसमें निकालना है, इस कंडीशन में जब भी आपको मोबाइल मिले आप क्या करोगे? जब भी आपको इस कंडीशन में मोबाइल मिले आप एमएमसी चिप को बाहर कर देना और देखना उसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए इसमें काम तो हुआ ही है पूरे बोर्ड में, और वीओबी का इसमें जो कंपोनेंट है ना यहीं पे होता है मेरे ख्याल से, ये वाला भी हो सकता है यहाँ पे जो दिख रहा है, तो वो स्कीमेटिक से पता चली जाए। ये देखिए एसके एन एस के एम एम सी है, ऊपर में हमारा जो है एस डी एम है 636,
और इस पे पेच लगा हुआ है, तो इस ईएमएमसी को जो है हम निकाल लें। और वो वाले ट्वीजर दीजिए, ठीक है, पेस्ट नहीं है, पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें। ये ब्लैक पेस्टेड वगैरह तो होता नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या हुआ है नीचे में, यूवी मास्किंग कर रखी है। और ईएमएमसी में भी देखिए कई सारे बॉल जो है, नहीं एक बॉल उखड़ी हुई है यहाँ पे और बाकी यहाँ पे जो है जॉइंटेड है और कुछ है, सही भी है बॉल, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बॉल जो है मेल्टेड है, नजर आ रहा है यूवी मास्किंग किया गया। अब हम इसको क्लीन करते हैं, ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ये मूवी मास्किंग करके मोबाइल बना दिया गया था, चालू भी हो गई थी, मोबाइल चल भी रहा था, लेकिन फिर ये अपने आप खत्म हो गया क्योंकि ये चलेगा नहीं, स्क्रैच आ गया है ना इसमें, समझ रहे हैं। ये मोबाइल बन गई थी, कुछ दिन चलने के बाद खत्म हो गया ये। इसको जो है हम क्लीन करते हैं, ठीक है, परफेक्ट हो गया। सर जी, हाँ बताइए सर जी, तो आपस में लाइनें शॉर्ट है सर, इसके लिए क्या करेंगे सर, ये अलग अलग बोल रहे हैं। किसमें सर, जो आपस में शॉर्ट हो रहा है ना, ये एक ही ट्रैक जो सर शॉर्ट हो रहा है बोल, इसके लिए सर क्या करेंगे, अलग अलग रही लाइनें रहे। ये मास्किंग मास्किंग करके, यूवी मास्किंग करके कोशिश किया गया है कि जो सिंगल बॉल है उसको सिंगल कर लें, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं, वो तो गया था। यहां पे दिख रहा है आपको, ये पूरी ट्रैक सिंगल है, ये पूरी ट्रैक सिंगल है, लेकिन ये दोनों बॉल अगर गलती से भी इससे सटेंगे, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा क्या इधर, ये पूरी ट्रैक सिंगल है, ये पूरी बॉल तो आपस में मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों में से कोई भी एक बॉल बगल में अगर सटा या इनमें से कोई बॉल बगल में सटा तो मोबाइल डेड हो जाएगा, दिख रहा है। ये पूरी सिंगल बॉल है, ये पूरी सिंगल सप्लाई है, लेकिन ये अलग है, ये दोनों सिंगल, अगर ये इसमें सटा तो डेड हो जाएगा, नजर आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों में सटे तो डेड हो जाएंगे, ये पूरा सिंगल है, इसके बगल में सटा तो डेड हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप, जो मेल्टेड है उसमें पांच, अगर छह पिन है तो छह आपस में मिल जाएंगे, लेकिन बगल से सटनी नहीं चाहिए वो, ठीक है। जो स्क्रैच पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, वो स्क्रैच है, ये पूरी पैड थी एक जैसा, वो पूरी स्क्रैच पड़ गई है और ये किसी ने दबा के डिसोल्डिंग चला दिया होगा इसलिए स्क्रैच आया होगा। मैंने इतना आराम से किया कि इसकी यूवी मास्किंग भी नहीं हटी और डिसोल्डिंग भी हो गया इस पे, दिख रहा है। सर ब्लैक पेस्ट हटाने, ये ब्लैक पेस्ट होता ही नहीं है तो इसमें स्क्रैच पड़ने का चांस ही नहीं है, हो सकता है लेयर में वाटर डैमेज रहा हो जिसकी वजह से पपड़ी बन गई हो, दिख रहा है ना जी सर। तो इसका कंडीशन बहुत बुरा हाल है, चलिए वोल्टेज दिखाते हैं, बन जाएगा ना आकाश वोल्टेज या नहीं बनेगा,
बन जाएगा, बन जाएगा सर, सारे स्टेबल हो जाएंगे वोल्टेज चार्जर लगाते हैं जितने भी हैं, हायर लोअर एलडीओ तो सारे जब मिल भी इस जाएंगे। तरह का कंडीशन दिखे जरूर आप देखो एक बार एमएमसी में, ये एमएमसी की बॉल जब आपस में शॉर्ट सर्किट करती है हल्की सी भी ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन सीपीयू बोर्ड बनाता है, कई बार हमने ऐसा देखा है, सीपीयू बोर्ड बनाती रहेगी और मोबाइल चालू नहीं होगा। ईडीएल शॉर्ट करने पे बोर्ड बनाया है, अब हमने चार्जर लगाया यहाँ पे और वी बस की टेस्टिंग सबसे पहले एंट्री हो रही है 5 वोल्ट, और वीपीएच अभी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो अभी सही है वीपीएच, अब ड्रॉप नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। जी अब एपीसी 1 पे भी वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि ये तो बाद में आता है, एपीसी 0 पे आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 0.8। मॉडेम पे भी नहीं आएगा, मॉडेम भी ऑफ है, और ये लोअर एलडीओ हायर एलडीओ पे बनेगा, यहाँ पे 1.3 वोल्ट, और हायर एलडीओ यहाँ पे है, ये वाली कॉइल से आ रही है जो यहाँ पे 2 वोल्ट, यानी कि आईसी ऑन है। अब देखो आईडी थर्मल पे क्या आ रहा है,